नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। भारत और श्रीलंका के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का आखिरी मैच खेला गया। इस मैच में टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत के लिए ओपनर शुभमन गिल के अलावा विराट कोहली ने शतकीय पारी खेली। शुभमन गिल और विराट कोहली के शतकों की बदौलत टीम इंडिया 50 ओवर में 5 विकेट पर 390 रन बनाने में कामयाब रही और श्रीलंका को रिकॉर्ड 317 रनों से हार का स्वाद चखाया है। इस मैच में विराट कोहली ने 110 गेंदों पर नाबाद 166 रनों की पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में 13 चौके और 8 छक्के जड़े। वहीं विराट कोहली के वनडे करियर का यह 46वां शतक है। इस तरह वनडे इतिहास में विराट कोहली पूर्व भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरे सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं। सचिन तेंदुलकर के नाम वनडे फॉर्मेट में 49 शतक दर्ज है। बहरहाल यह कोई पहली बार नहीं है जब विराट कोहली ने 15 जनवरी के दिन शतक का आंकड़ा पार किया है। दरअसल विराट कोहली 4 बार 15 जनवरी के दिन शतक लगा चुके हैं। विराट कोहली ने 15 जनवरी के दिन 3 वनडे मैचों के अलावा एक टेस्ट मैच में शतक का आंकड़ा पार किया। विराट कोहली ने 15 जनवरी 2017 को इंग्लैंड के खिलाफ वनडे मैच में 102 गेंदों पर 122 रनों की पारी खेली थी। वहीं साउथ अफ्रीका के खिलाफ 15 जनवरी 2018 को टेस्ट मैच में 217 गेंदों पर 153 रन बनाए थे। इसके अलावा पूर्व भारतीय कप्तान ने 15 जनवरी 2019 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे मैच में 112 गेंदों पर 104 रन बनाए थे, जबकि रविवार को श्रीलंका के खिलाफ 110 गेंदों पर नाबाद 166 रन बना डाले। विराट कोहली को इस पारी की बदौलत भारत ने श्रीलंका के सामने जीत के लिए 391 रन का बड़ा लक्ष्य रखा। श्रीलंका की टीम 73 रन ही बना सकी। भारतीय टीम ने 3 मैचों की सीरीज पर 3-0 से कब्जा कर लिया। विराट कोहली ने श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे मैच में भी शतक जड़ा था। कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच के साथ साथ प्लेयर ऑफ द सीरीज का भी खिताब दिया गया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्कार।